चाटा खाने के बाद भी जय ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं जय तो मैं मानसी के साथ शादी करूंगा। दादी माँ, वो लड़की आपके घर की बहू बनने वाली है और मैं चाहता हूँ कि जो भी सपने आपने मेरी शादी के लिए देखे हैं वो पूरा करें। मैं कभी माफ नहीं करूंगी जय। पर इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे जय ने किसी देवी पर अन्याय किया हो? नहीं नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो। ये लो माँ, नाश्ते के लिए आ जाइए। आ रही हूँ बेटे। तुम लोग शुरू तो करो। मानसी कहाँ है? मैं अभी बुला के लाता हूँ। तुम बैठो, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरे भाभी, अरे भाभी, 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 पानी लाओ, पानी लाओ। बहू क्या बेटी? नेहा बेटी, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गुणवंत राय बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, मेरी बड़ी बहू अचानक बेहोश हो गई है, गिर गई है और बेहोश हो गई है। हाँ जी, आप सीधे क्लिनिक पहुंच जाइए। हाँ, राजेश और जय वहां आ रहे हैं। हाँ जी, प्लीज, थैंक यू। क्या हो गया मेरी बहू को? क्या हो गया? जी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ उसे। भगवान की डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं ना, आप चलिए आराम कीजिए। भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। मानसी बेटे, नेहा गिर गई और बेहोश हो गई, उसे अब हॉस्पिटल ले गए हैं। अच्छा, अब चलिए। कौन सा हॉस्पिटल? अब चलिए वो बेटे। अच्छा, आप आराम कीजिए, देखिए वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए हैं आप? मुझे नंबर दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। वो तुझे ही बुलाने आ रही थी और ये सब हो गया। जिस दिन तुझे देखने आए थे उस दिन से आज तक इस घर में खुशी का एक पल भी नहीं आया है। इस परिवार पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई थी और तूने सब बर्बाद कर दिया। और तो पता नहीं मेरे बेटे पर क्या जादू किया है। क्यों किया तूने ये सब? क्यों किया? मानसी कैसी है बेटा? क्या बात है माँ? नहीं कुछ नहीं। हाँ, वो तेरी सहेलियाँ मिली थी, तुझे याद कर रही थी बहुत, और मुझे भी तेरी याद आ रही थी। माँ केतकी कैसी है? ठीक है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर कह रहे थे बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे तुरंत खबर करना माँ। हाँ हाँ जरूर। मानसी बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज से लग रहा है कि तू परेशान है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, तेरी आवाज से तेरे दुख का पता चलता है मुझे। Thank you.
भाभी कैसी है? भाभी ठीक है, अभी कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, भैया हैं उनके साथ। तुम कैसी हो? मुझे क्या हुआ? तुम्हारे आंख के आंसू बता रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा तुम्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ता है मानसी। मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल आना चाहती थी, लेकिन माँ ने तुम्हें रोक लिया। इस घर के लिए प्यार है तुम्हें मानसी, तुम पत्थर की नहीं हो सकती। अपने अंदर के इंसान को इस तरह से मत मारो मानसी। वो इंसान तो कब का मर चुका है और उसे तुमने मारा है जय। मानसी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, हर तकलीफ में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तुम किसी चीज की लायक ही नहीं हो और बनने की कोशिश भी मत करो। रिलैक्स मानसी रिलैक्स, तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है। हमारा बच्चा? तुम्हें उसे हमारा बच्चा कहने का कोई हक नहीं है जय। मेरी गलती की सजा इस बच्चे को मत देना। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना। हेलो भैया, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। भाभी कैसी है? भाभी की तबीयत ठीक है अभी, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ अभी। मैं चलूँ साथ? नहीं वो कैसी हो मानसी? चीचू, दीदी कैसी है? तबीयत कैसी है दीदी की? अच्छी है। मुझसे कुछ चाय कॉफी नहीं पूछोगी? तुम्हारा जीजू हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ। मुझसे पहले ये घर आपका है, मगर अब ये घर तुम्हारा है। नाराज हो अपनी चीजों से? नहीं, मैंने बहुत अजीब बिहेव किया तुम्हारे साथ। मानसी जय मेरा भाई है। और आप जानते हैं कि आपका भाई शरीफ है, आपका भाई नेक है और आपका भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, राइट? मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। मैं अपनी बहन से कम प्यार नहीं किया मैंने। यकीन मानो अगर मुझे इस बात का जरा सा भी पता होता तो मैं उसका साथ नहीं देता। पर आप क्यों दे रहे हैं मेरा साथ? क्योंकि अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि चाहे दुनिया गलत हो तुम गलत नहीं हो सकती। कुछ पल के लिए सही, पर आपने भी तो मुझे गलत ही समझा ना मानसी। कड़वी यादों से दूर होने का सबसे आसान तरीका है उन्हें भूल जाना। और इस भूलने की कोशिश में वो सारी यादें बार बार सामने आती है और कड़वाहट उतनी ही बढ़ती जाती है। एक बार अपने जीजू को माफ नहीं करोगे? सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी होगी, अभी तक वो लोग नहीं आए। ये शालिनी भी एक फोन तो कर सकती थी ना। आ जाएंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो?
और ऐसे भी डॉक्टर ने कहा है कि कोई सीरियस बात नहीं है। हाँ लेकिन सही सिचुएशंस तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी ना। ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती? वो लोग अभी हॉस्पिटल से आते ही होंगे। तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता? ये क्या हो रहा है इस घर में? मॉडर्न लड़कियां मैंने बहुत देखी है लेकिन इस जैसी कभी नहीं देखी। लक्ष्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही है तुम? देखो अपना दिल छोटा मत करो, जो हमारी तकदीर में था और जो जय की तकदीर में था वो हो गया। पूरा घर टेंशन में है और इस लड़की को जरा सी भी शर्म नहीं। दादी खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। आप इसलिए खाना नहीं खाना चाहते हैं ना, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ। चली जाऊँ यहाँ से। एक शर्त पर, पहले आप खाना खाएंगे। मुझे पता है आपको डायबिटीज है। बाद में खाना खा लूंगी, अब तुम जाओ। आप अभी खाना खाएंगे। ठीक है खाना खा लूंगी, जाओ आप। पहले आप वादा कीजिए आप खाना खा लेंगे। अच्छा खाना खा लूंगी, बस अब तुम जाओ। खाना खाने के बाद दवाई ले लीजिएगा। ले लूंगी, बस अब तुम जाओ। डॉक्टर ने, आप लोग एक फोन नहीं कर सकते थे? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। माँ इतनी भागा भागी चल रही थी कि हमने सोचा घर पर ही आकर बताते। हाँ हाँ लेकिन कहा क्या, बात क्या है? अरे बताओ बताओ। आप ही बताइए। मैं बताता हूँ, मैं चाचा बनने वाला हूँ। सच बेटा? क्या सुना मैंने? सच? मैं दादी से परदादी बनने वाली हूँ। मानसी, मैं परदादी बनने वाली हूँ। बेटे तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। दादी खुशी की ये खबर किसी के शुभ कदम पड़ने से इस घर में आई है और वो शुभ कदम मानसी के है। अब मैं जाके ठाकुर जी को भोग चढ़ाऊंगी। जानते हैं जब आपकी शादी हुई थी ना तो मम्मी पापा बहुत दुखी हुए थे, लेकिन इतना दुखी नहीं हुए जितना मानसी दीदी की शादी के बाद हुए। इसका मतलब समझती हैं आप? इसका मतलब ये कि मानसी दीदी इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। नहीं बेटा, माँ बाप के लिए तो हर बच्चा एक समान होता है। नहीं माँ, ऐसी ही बात है, नहीं तो हम दोनों की प्रेजेंस मानसी की एब्सेंस को कॉम्पनसेट नहीं करती। मतलब आप हम दोनों से उतना प्यार नहीं करते जितना मानसी से करते हैं, नहीं तो आप खुश नहीं होते और अच्छे से खाना नहीं खाते। You're right. You're actually right, दीदी। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा मानसी दीदी को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हमसे ज्यादा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं खाना तो खा रहा हूँ। रत्ना जरा और सब्जी देना प्लीज। जी Thank you.
चिंता की कोई बात नहीं है, इनका बीपी थोड़ा हाई हो गया है। डॉक्टर साहब, माँ को कभी पहले ये हाई बीपी की प्रॉब्लम थी नहीं, मगर ये अचानक। इस उम्र में लोग ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। आप चिंता मत करिए, मैंने दवाई बदल दी है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आप इनका ख्याल रखिए। जी, तो मैं चलूं? आइए, मैं छोड़ देता हूं। दादी माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? ये क्या दादी माँ, बताएंगी नहीं मुझे क्या हुआ आपको? बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। दादी, आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप जरूर से ज्यादा सोचने लगे। जब मैं हूं, पापा हैं, भैया हैं, तो किस बात का गम खाया जा रहा है आपको? अब मैं कह देता हूं, आप नहीं बताएंगी ना तो मैं रूठ जाऊंगा, फिर आना मुझे मनाने स्टोर रूम में। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।